पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में पिछले लंबे समय से मैतेई जनजाति और चीन कुकी समुदाय के बीच चल रहे संघर्ष के मूल कारणों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवगत कराने के उद्देश्य से मैतेई ट्राइब यूनियन मणिपुर के प्रतिनिधि मंडल ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के मुख्य सचिव समीर क्षीरसागर से नागपुर शहर स्थित संघ मुख्यालय में मुलाकात की। ऐसी जानकारी मैतेई ट्राइब यूनियन के सचिव मुतुम चुड़ामणि द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। साथ ही साथ उन्होंने मणिपुर में धड़ल्ले से फल फूल रहे नशीले पदार्थों के व्यवसाय, मैतेई हिंदुओं के धर्मांतरण, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों पर संघ का ध्यानाकर्षण करने का प्रयास किया। यूनियन की सरकार से यह मांग रही कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मैतेई जनजाति को तुरंत अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मैं मुतुम चुड़ामणि मैतेई ट्राइब यूनियन का सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हूँ और हम आज ये नागपुर में आके इंडिया का सेंट्रल एरिया में आके हमारा मणिपुर का 17 महीना हो गया, अभी तक लड़ाई चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर हमारा मणिपुर में आ करके इसको समझाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। अभी जनजाति जनजाति और कुकी समुदाय के बीच मेन जो मुख्य इम्पोर्टेंट संघर्ष हो रहा है उसका कारण बताइए। इसके कारण ये है, मणिपुर में ड्रग माफिया शुरू हो गया। किसने किया है? कुकी लोगों ने। हमारा मणिपुर का पहाड़ लोग सब उसका पेड़ फप तोड़ फोड़ करके डिफोरेस्टेशन करके पॉपी प्लांटेशन किया और ओपियम बनाया। किस प्रकार का वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं? नंबर 4 ओपियम। और इसको स्टेट गवर्नमेंट ने रोकने के जागरूक किया, नंबर 1। नंबर 2, बॉर्डर फेंसिंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डिक्लेयर किया, चालू किया। तो वो लोग ये भी कुकी समुदाय लोग ने, चीन कुकी समुदाय लोग ने मना किया बंद करने का। और NRC लागू होने रहा कर रहा है, NRC भी कुकी समुदाय लोग ने मना किया। और फ्री रेंजिंग मूवमेंट यहाँ से वहाँ पोरस में आपस में आते जाते रहते हैं, उसको भी रोकने का प्लान किया, वो भी कुकी समुदाय लोग ने मना किया। इसीलिए कारण तो ये है। और अभी पहले तो मैतेई समुदाय शेड्यूल ट्राइब को लिस्ट में डाल नहीं डालने के लिए प्रोटेस्ट किया, ऐसे बोला था। तो फिर अभी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेपरेट यूनियन टेरिटरी ऐसा डिमांड किया, मतलब पर्पस तो एक था और अभी दूसरा पर्पस में चला गया। और अभी कितना चाइना से हो, अमेरिका से हो, इतना अच्छा अच्छा बंदूक पकड़ के हमला किया हमारे मैतेई जनजाति जो है उनमें। डेमोग्राफी आपके अनुसार कम हो रही होगी, मतलब जनसंख्या कम हो रही है, उसके पीछे क्या कारण बताएंगे? देखो 2012 से 2017 उसके अंदर कितना विलेज भर गया, 2700 समथिंग कुकी चीन कुकी अंदर मणिपुर में घुस गया। और म्यांमार का रोहिंग्या उस वो भी अंदर आ गया, और बांग्लादेश का बांग्लादेशी भी बहुत है मणिपुर में। लेकिन वो लोग आकर के एक्सेप्ट दिस चीन कुकी, दे कैन दे सेटल ओनली इन हिल एरियाज, अदर्स आर सेटलिंग इन द वैली ओनली, सो डेमोग्राफी इज इम्बेलेंस नाउ। इसमें धर्म परिवर्तन को आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? धर्म तो अभी मणिपुरी मैतेई तो यस, हमारा भी सनामहीज़म है, लेकिन हिंदू और सनामही तो पार्टिसिपेटरी है। कोई हिंदू का प्रोग्राम फंक्शन हुआ तो सनामही भी जाएगा, सनामही को होगा और हिंदू में भी जाएगा। लेकिन क्रिश्चियन सबको छोड़ दिया, हमारा मीन्स कस्टमरी और ट्रेडिशनल फंक्शन में शामिल नहीं है, मतलब रिलीजियस फंक्शन में।
आप जिस समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं नागपुर में, तो आरएसएस हेडक्वार्टर से आपको क्या आश्वासन मिला, आपकी किससे बात हुई? हमने 4-5 महीना मणिपुर का सभी सेक्शन का, डॉक्टर्स का, आईएएस का, आईपीएस का, एमसीएस का और लेजिस्लेचर का, ऐसा सब कुछ मिल के आया। तो हमने वो लोगों को ओपिनियन लिया किसको मिल के हमारा मणिपुर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सब के सब मतलब 90% वो लोगों ने हमको मोहन भगवत जी मिलने से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसा करके वो लोग के पीपल्स के कॉन्फिडेंस को हमारा कंधे पे ला करके मोहन भगवत जी को मिल गया। यहाँ पर नागपुर में किससे मुलाकात हुई, आरएसएस के प्रतिनिधि हैं, किससे मुलाकात हुई और उन्होंने आपसे क्या आश्वासन दिया, कुछ बात हुई आपसे? तो वो तो अब कुछ बात नहीं किया, उसको ओपिनियन तो नहीं दिया, फिर भी अच्छी तरह सुना है। एक घंटे से बात की समीर सिंह सागर जी। अब आप सरकार से क्या आशा रखते हैं इस मामले पर, आपकी समस्या को लेकर? जो पहले तो हम इतना सच्चाई क्या है मालूम नहीं था, तो हम नेशन वाइड कैंपेन में आप लोग की मदद से हर इंडिया के कोने कोने में पहुंचने में हम ज़रूर हमारा पक्ष में आएगा। गवर्नमेंट जो है उससे आपको क्या आशा चाहते हैं कि आपको किस तरीके की मदद प्राप्त हो? जल्द से जल्द हम मणिपुरी मैदई को एसटी लिस्ट में डालने, तो उसके ज़रूर प्रोसेस करने का सोचा है। नागपुर शहर से कैमरा पर्सन विशाल मिश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया की रिपोर्ट। रजत कलेक्शन, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड कपड़ों का भव्य कलेक्शन। फैमिली शॉपिंग करनी है तो रजत कलेक्शन है सही जगह, जहां आपको मिलेगा लेडीज जेंट्स और किड्स के कपड़ों में सभी वैरायटी, कुर्तियां, कुर्ता पैजामा, जेंट्स के लिए शर्ट पैंट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा के सभी वैरायटी उपलब्ध। किड्स में नवजात शिशु से लेकर बड़ों तक के सारे वैरायटी के परिधान उपलब्ध। लेडीज जेंट्स किड्स के कपड़ों के मिलने का उत्तम स्थान हमारा पता, रजत कलेक्शन, बेलत रोडी रोड, मनीष नगर, नियर तिरुपति तिरुमला सोसाइटी, नागपुर।